तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द यूट्यूब चैनल। तो आज देखने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो मैच नंबर 26 होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे जीएल कॉम्बिनेशन की टीम बनाने वाले हैं एंड बताने वाले हैं कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो जीएल कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं और अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ग्राउंड की। ग्राउंड चेन्नई का ग्राउंड है। इस ग्राउंड के देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनल अपडेट आपको वहीं पे मिल जाएगी अगर कोई बदलाव होता है ड्रीम इलेवन टीम में। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें पिच रिपोर्ट के फैक्ट। यहाँ पर देख सकते हो पेसर्स को यहाँ पर 85 यानी कि 85 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को एंड बात करें स्पिनर्स की 53 विकेट मिली है यहाँ पर स्पिनर्स को। यहाँ पर लास्ट 10 मैचेस का यहाँ पर डाटा देखें तो फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर की बात करें 229 तक का रहता है। सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ पर 202 तक का रहता है एंड हाईएस्ट टोटल की बात करें 299 तक का यहाँ पर गया है और लोएस्ट टोटल की बात करें 69 पे यहाँ पर ऑल आउट हो गई थी टीम। ओवरऑल बात करें तो ग्राउंड मतलब बैटिंग फ्रेंडली नहीं है। स्कोर की बात करें तो इतना अच्छा स्कोर कुछ खास यहाँ पर है नहीं। तो आगे देखने वाले हैं ग्राउंड थोड़ा स्लो लगता है यहाँ पर बैटिंग की फ्रेंडली। तो की प्लेयर की बात करें कौन कौन से होते हैं, रबादा की बात करें इन्होंने एक मैच इस ग्राउंड पर खेला है जिसमें इन्होंने 3 विकेट निकाल के दिए हैं तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वाइस कैप्टनसी के लिए भी अच्छे च्वाइस हो सकते हैं। बाबर आजम की बात करें इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 10 मैच खेले हैं जिसमें 523 रन बना चुके हैं बाबर आजम। फखर जमान की बात करें इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 मैच खेले हैं जिसमें 544 रन बना चुके हैं तो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एंड हक की बात करें तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 9 मैच खेले हैं टोटल जिसमें 447 रन बना चुके हैं तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो ड्रीम इलेवन टीम में रखना पड़ेगा आपको। हरीश रॉफ की बात करें साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 3 मैच खेले हैं जिसमें 7 विकेट निकाल के दिए हैं तो आप ओवरऑल बात करें तो ड्रीम टीम में रख सकते हो आप रॉफ को। एंड दुशैन की बात करें पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 7 मैच खेले हैं जिसमें 460 रन बना चुके हैं टोटल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैप्टनसी की भी अच्छी च्वाइस हो सकते हैं ये। मार्करम की बात करें तो इन्होंने 8 मैच खेले हैं टोटल रिसेंट फॉर्म की बात करें जिसमें 468 रन बना चुके हैं तो जितने भी यहाँ पर प्लेयर दिए हैं तो जीएल कॉम्बिनेशन के साथ आ सकते हैं ड्रीम इलेवन टीम में। मैंने रिसर्च एंड डाटा एनालाइज करके ही यहाँ पर प्लेयर दिए हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले देखें क्वांटम डीकॉक की बात करें की प्लेयर में, देखो क्वांटम डीकॉक को शादाब खान ने 2 बार आउट कर दिया है और हरीश रॉफ ने 1 बार आउट किया है। अगर मेरा मानना जी अगर शादाब खान को लेते हो तो क्वांटम डीकॉक को मत लेना, अगर कॉक को लेते हो तो शादाब खान को मत लेना, मुझे लगता है ऐसा। रिजा की बात करें इन्होंने शायन अफरीदी ने इन्होंने 2 बार आउट कर चुके हैं, शादाब खान 1 बार आउट कर चुके हैं। एंड एडम मार्करम की बात करें तो अफरीदी इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं, शादाब खान 1 बार आउट कर चुके हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो शायन अफरीदी यहाँ पर वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं अगर पाकिस्तान के फेवर में मैच जाता है तो। एंड यहाँ पे देखने वाले हैं पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन एंड रिसेंट फॉर्म। अब्दुल्ला की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बराबर बहुत अच्छी है, लास्ट 3 मैचेस में ख़राब है, ओवरऑल बात करें तो अच्छे खासे रन बना के आ रहे हैं। मुझे लगता है इस मैच में नहीं चलने वाले तो इस मैच में आप ड्रॉप कर सकते हो। इमाम हक की बात करें तो इस मैच में आपको रखना चाहिए, 40 से ऊपर रन बनाने वाले हैं जो ड्रीम इलेवन टीम में आ सकते हैं। बाबर आजम की बात करें तो इस मैच में 50 से ऊपर बनाने वाले हैं तो बाबर आजम को आपको रख लेना है। रिजवान को तो आपको रखना ही पड़ेगा, ड्रीम इलेवन टीम में आने ही वाले हैं। एंड शकील की बात करें मैं इस मैच में नहीं लूँगा, शादाब खान की मैंने कंडीशन बताई दी है कि अगर कॉक को लेते हो तो शादाब खान को मत लेना, अगर कॉक को नहीं लेते हो तो शादाब खान को लेना, ओके। एंड यहाँ पर इत्मीन अहमद की बात करें इस मैच में नहीं लेना बिल्कुल भी। अफरीदी की बात करें आपको ड्रीम इलेवन टीम में रखना ही पड़ेगा अफरीदी को, क्योंकि 2 विकेट तो आराम से निकालने वाले हैं अफरीदी। उसामा मिर की बात करें तो मैं इस मैच में नहीं रखने वाला हूँ। हसन अली की बात करें इस मैच में नहीं रखने वाला हूँ। हरीश रॉफ को इस मैच में रख सकता हूँ ड्रीम इलेवन टीम में। तो एंड यहाँ पे देखें साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन एंड रिसेंट फॉर्म की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्विंटम डीकॉक की बात करें तो ड्रीम इलेवन टीम में लेने वाला हूँ एंड कैप्टनसी के लिए भी ट्राई करने वाला हूँ। रिजा की बात करें तो मैं इस मैच में ड्रॉप करना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता इनकी करंट फॉर्म थोड़ी गड़बड़ चल रही है तो इस मैच में जल्दी आउट हो सकते हैं। दुशैन की बात करें
तो मैं इस मैच में लेना चाहूँगा, क्योंकि ये 40 से 45 रन बना के देने वाले हैं, बहुत ही स्पीड से खेलेंगे अगर ये खेलते हैं। अगर एडम मार्कम ब्राउन की बात करें तो आप लेना पड़ेगा, क्योंकि विकेट एंड रन दोनों बनाने वाले हैं, तो आपको ड्रीम इलेवन टीम में रखना चाहिए। एंड वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस हो सकते हैं एडम मार्कम। हेनरिक क्लासन की बात करें तो मुझे लगता है इस मैच में बहुत ज़्यादा अच्छे रन बनाने वाले हैं, पर इनकी एक कंडीशन रहेगी, मैं अगर कॉक को नहीं लूँगा तो हेनरिक क्लासन को लूँगा, एंड कैप्टनसी के लिए भी ट्राई करने वाला हूँ। और डेविड मिलर की बात करें, मैं इस मैच में नहीं लूँगा। अगर मार्को जॉनसन की बात करें तो इस मैच में मैं लूँगा, क्योंकि विकेट अच्छे खासे निकाल के दे सकते हैं इस मैच में। जेराल्ड की बात करें तो इस मैच में आपको रख लेना चाहिए, कि मुझे लगता है 2 से 3 विकेट आराम से निकालने वाले हैं, क्योंकि करंट फॉर्म भी इनकी अच्छी खासी चल रही है। 2 विकेट 3 विकेट, 2 विकेट 3 विकेट। एंड और बात करें महाराजा, इसको नहीं लेने वाला हूँ। रबादा की बात करें तो मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि रबादा अच्छे खासे विकेट निकाल के दे सकते हैं। ओवरऑल इस मैच की बात करें, मिनिमम 3 विकेट निकालने वाले हैं। इस ग्राउंड पे अच्छे विकेट इनको मिलते भी हैं, तो मुझे लगता है इस ग्राउंड पे मिलने भी वाले हैं। तो हमारे इतने प्लेयर हो गए ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन के साथ, तो हम देखते हैं हमारी ड्रीम इलेवन टीम कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम टीम नंबर 1 की बात करें एंड टीम नंबर 2 देख सकते हैं। तो टीम नंबर 1 में हमने क्वांटम डीकॉक को कैप्टनसी दी है, वाइस कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान को दी है, सही है। बैटर की बात करें तो बाबर को रखा है, अब्दुल्ला को रखा है, सही है, रिजा को भी रखा है। मार्करम की बात करें तो और रखा है यहाँ पे, एंड सादब खान को भी रखा है यहाँ पे, मार्को जॉनसन को भी रखा है, कास्को रवादा को भी रखा है, सैन अफरीदी को रखा है, जिराल्ड को भी रखा है, ओके। एंड यहाँ पर टीम नंबर 2 की बात करें, कॉक को रखा है, कैप्टनसी हमने क्लाशन को दी है, बात करें रिजवान को भी रखा है। वाइस कैप्टनसी की बात करें मार्को जॉनसन को दी है। एंड बैटर की बात करें यहाँ पे देखो, बाबर को लिया है, एंड हुसैन को लिया है, एंड मार्करम को लिया है, एंड सादब खान को भी यहाँ पे लिया है हमने। एंड बात करें बॉलर्स की तो जिराल्ड को लिया है, एंड अफरीदी को भी यहाँ पर लिया है, एंड रबादा को लिया है। आपको सेम प्लेयर यहाँ पे ज्वाइन कर लेने हैं ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन के साथ। तो अगर दोनों टीम को ज्वाइन करते हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा विन करने के चांस होंगे जीएल कॉम्बिनेशन के साथ।